जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसका 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, वह पहाड़ पर परमेश्वर के भगत के पास गई और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के दास ने उसे दूर से देखा और अपने सेवक से कहा, जा उसे पूछ ले क्या उसका पति ठीक है, उसका बच्चा ठीक है, कुशल से है, वो कुशल से है। और यहाँ पर लिखा है कि वो पहाड़ पर गई, पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने उससे कहा कि उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। और एलिशा अपने आप कहने लगा कि परमेश्वर ने मुझे ये बात नहीं बताई है और मुझसे छिपा के रखा है। तब इस स्त्री ने, कुलेन स्त्री ने इस प्रकार से कहा, हम 28 पद में पढ़ते हैं, वो कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? और आगे लिखा है, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे धोखा ना दे? यहाँ पर 2 बातें हम देखते हैं, पहला कि क्या मैंने पुत्र का वर मांगा था, दूसरी बात है क्या मैंने नहीं कहा था कि तू मुझे धोखा ना दे। एलिशा को ये बात मालूम नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, पर वो एलिशा खुद परमेश्वर से कहते कि परमेश्वर ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई या छुपा के रखा, तो वो कहता है इस बात को। और यहाँ पर इस स्त्री की बात को ये देखा जाता है कि ये गई, ये उस मरी हालत में या उस बच्चे को इस तरीके से रोना पीटने में नहीं लगी रही, एक समझदारी के साथ, जब किसके पति ने इसे मना किया कि मत जा, कोई ना चांद का दिन है, ना कोई खास दिन है, ना कोई ऐसा कोई पर्व है जिसमें तू जाकर परमेश्वर के भक्त से मिल पाए। और इसने कहा, कोई बात नहीं है, मुझे एक गधी चाहिए, उस पर मैं बैठूंगी, और मुझे एक सेवक चाहिए, और वो हांकते जाएगा, और सेवक को भी कहा कि जल्दी कर और हांकता चला जा, और वो ऐसे आगे बढ़ती गई। और दूर से जब परमेश्वर के दास ने एलिशा ने उसे देखा था, तब भी इस प्रकार से बताया गया कि गेहजी जाकर पहले हाल चाल पता करता है, और जब वो उसको सेवक को वो पाँव पकड़ती है, तब ये गेहजी उसे हटाता है और धक्का देकर हटाने की कोशिश करते उसके पास गया, और परमेश्वर दास ने कहा, नहीं, इसका मन व्याकुल है, इसे धक्का मत मार। स्वामी में और सेवक में अंतर होता है प्रियो, कि वो उसकी भावना उसकी ठेस को नहीं समझ पा रहा था कि ये दुखी है, ये परेशान है, इसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है, उसके सांस प्राण चले गए हैं, ये नहीं समझ पा रहा था। गेहजी के और स्वामी में बहुत फर्क है, ये सेवक है, गेहजी स्वामी है इसका, एलिशा स्वामी है और गेहजी सेवक है। गेहजी धक्का मार रहे हैं, गेहजी के अंदर वो फीलिंग नहीं है कि एक स्त्री के साथ कैसा बर्ताव किया जाए या किस तरीके से अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ बर्ताव किया जाना चाहिए, ये इसे मालूम नहीं है। और कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें आती हैं, हम सेवक के रूप में तो होंगे और हम सामने वाले के दिल की को नहीं समझ पाएंगे, उसकी फीलिंग को नहीं समझ पाते हैं और धक्का मारने की कोशिश करते हैं या से कुछ कटु वचन कहकर उनका दिल तोड़ देते हैं और हम उसे समझ नहीं पाते हैं। पर स्वामी समझ पाया है, स्वामी ने एलिशा ने इस प्रकार से कहा है कि नहीं, रहने दे, इसका मन व्याकुल है, ये दुखी है, ये परेशान है, और उसकी परेशानी को परमेश्वर दास ने समझा, यहाँ तक कि परमेश्वर से भी कहा, परमेश्वर आपने मुझे क्यों नहीं बताया। और ये स्त्री इस प्रकार से कह रही है कि क्या मैंने पुत्र का वर मांगा था, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मुझे धोखा ना दें, कि ये पुत्र द्वारा ये चला जाएगा। इसने कोई भी अपनी सेवा में लालच नहीं किया था, निष्पक्ष निस्वार्थ सेवा इस स्त्री ने की थी, खाना खिलाया था, भोजन दिया था, घर तैयार किया था, सारी बातें की थी। ये नहीं कि इसका पुत्र दोबारा नहीं आएगा, आगे वचन में पढ़ते इसका पुत्र को जिंदा कर दिया गया। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सेवक और स्वामी में अंतर है। सेवक कई बार गलतियां कर जाएगा, पर स्वामी उस फीलिंग को समझ पाता है, जो दूसरे की फीलिंग को देख लेता है। जैसे हम एलिशा की द्वारा देखते हैं कि इसने इस स्त्री पर तरस खाया, इस स्त्री की बात को देखा, समझा। और यहाँ पर लिखा है कि आगे जब हम पढ़ते, क्या मैंने प्रभु अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था, क्या मैंने नहीं कहा था कि धोखा न दे, 2 सवाल है। तब एलिशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध ले, कमर बांध और छड़ी हाथ में लेकर चला जा, मार्ग में यदि कोई तुझे पूछे तो कुशल से उसका कुशल ना पूछना, कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना। और गेहजी आज चल दिया है छड़ी उठाकर और वो आगे बढ़ रहा है, और उसे कहा गया, गाइडलाइन दी गई है कि मार्ग में यदि कोई तुझसे मिले तो उसे कुशल ना पूछना, कभी रुक जाए कि ओ आज मैं छड़ी लेकर मुर्दे को जिंदा करने जा रहा हूं, आज मुझे देखना, आज मैं ये काम कर दूंगा, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसे कुछ नहीं बताना है।
बस कुशल नहीं बताना और जल्दी से पहुंचना है और लड़की के मुंह पर इस छड़ी को रख देना है। हो सकता है गहेजी को ये बातें मन में सोच रहा हो, हो सकता है रास्ते में कोई से मिला भी हो, हो सकता है वो उसके मन में ऐसे विचार हो कि आज यार मुर्दा जिंदा हो जाएगा मेरे द्वारा, स्वामी से बढ़कर आज मैं काम कर दूंगा, और ये गया भी हो और रास्ते में इसे कोई मिला ही नहीं मिला, ये बात मैं नहीं कहना चाहता। हो सकता है हमारे जीवन में जब अधिकार आता है, परमेश्वर अधिकार देता है, हम पहली दुनिया को बताना शुरू करते हैं कि आज परमेश्वर मेरे द्वारा ये करने जा रहा है, और बाद में पता चला कुछ भी नहीं हुआ है और गहेजी के द्वारा कोई भी चमत्कार नहीं हुआ है। फिर गहेजी हो एक तो धक्का मारने वाला व्यक्ति था, गहेजी का वचन जब आगे पढ़ते हैं वो लालची था, गहेजी अपने स्वामी की सही बातों पर सही तरीके से चलता नहीं था, गहेजी के बातों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि गहेजी मतवली था। गहेजी जल्दी जल्दी तो गया, छड़ी मुंह पे रखा, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। कैमरा हम भी जल्दी जल्दी जाएंगे और हम जो गाइडलाइन दी शायद उसको पूरा ना करें, शायद उसने कहा कि देखना आज चमत्कार होने वाला है, मैं मुर्दे को जिंदा करूंगा। हो सकता है ऐसा कहा हो, पर यहां कहा गया कि किसी से बताना भी नहीं, तेरा कोई कुशल पूछे तब नहीं कहना, कुछ नहीं बताना, तू किसी का मत पूछना। कारण है कि कैमरा चलते चलते हम बता देंगे कान में जरा सी, कैमरा हम ध्यान देने के समय में दूसरे को जरूर दिखा देंगे, बता देंगे मैंने किया था ये, उसका प्रतिफल खत्म हो जाता है। कैमरा परमेश्वर गुप्त रीति से आपके चीजों को देखता है और फिर पब्लिकली उस बात को प्रकट कर देता है। ये बात पब्लिकली तब हुई प्रियो जब परमेश्वर के दास एलिशा ने उस व्यक्ति बेटे को चंगा किया, पर यह बात सिर्फ लिखी गई है कि गहेजी ने उसके मुंह पर छड़ी रखी पर कुछ नहीं हुआ। इस बात से यह सीखने को मिलता है कि कायम बार सेवक लोग इस तरीके की बात अपनी जिंदगी में रखते हैं कि दुनिया में ढिंढोरा पीटने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, दुनिया में बताने वाले व्यक्ति हो सकते हैं कि आज मेरे द्वारा ये होगा वो होगा, पर यहां पर उसने कहा किसी को बताना भी नहीं, कुशल भी नहीं पूछना, हालचाल भी नहीं पूछना, रास्ते में नमस्कार भी नहीं करना, चुपचाप जो जिस काम के लिए भेजा गया है सीधा वहां जाना। और हो सकता है अंदर घमंड आ रहा हो कि आज मुर्दा जिंदा हो जाएगा, आज सुनेमिन का लड़के को मैं जिंदा कर दूंगा, आज ये छड़ी चमत्कारी छड़ी बन जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वचन बताता है यहां पर लिखा है कि मार्ग में कोई तुझसे मिले तो पूछना नहीं है, कोई तेरा कुशल पूछे, तेरा हाल चाल पूछे, उसको कुछ उत्तर नहीं देना, और ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। और लड़के की मां ने एलिशा से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी, जब तक ये काम नहीं होगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला, एलिशा भी उसके साथ साथ चला, स्त्री के और स्त्री भी चली, पर गहेजी सबसे पहले पहुंचा चमत्कार के लिए, लेकिन चमत्कार गहेजी के द्वारा नहीं हुआ, यहां तक ये छड़ी रखने पर भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कुछ मिस्टेक है भी जिसके कारण ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए वचन के मुताबिक आगे लिखा है, इसलिए उठकर उसके पीछे चला और उसने पहुंचकर गहेजी ने छड़ी उसके लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा और उसमें से कोई हरकत ना हुई। तब एलिशा से वो मिलने को लौटा है और उसको बतला दे कि लड़का नहीं जागा, कुछ नहीं हुआ है, और ये उसकी रिपोर्ट थी प्रियो कि लड़का नहीं जागा और कुछ भी हुआ नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप सेवकाई का काम करते हैं प्रियो, अगर आप सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, तो परमेश्वर की बात को पाकर ही आगे बढ़े, या अपने आगुओं की बात को ही सही तरीके से फॉलो करें। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको जो गाइडलाइन दी गई है, जो आपको सिखाया गया है, उसके मुताबिक और परमेश्वर से प्रार्थना के मुताबिक आप आगे बढ़ें और उस कार्य को करें। अगर आपके परमेश्वर आपके साथ नहीं है और परमेश्वर की वो इच्छा नहीं है आपके प्रति कि आप उस कार्य करें, तो थोड़ा वेट करें, थोड़ा इंतजार करें, जिसके कारण आपके द्वारा परमेश्वर कुछ कार्य करे। इसलिए वो गया और जल्दी जल्दी भी गया, हो सकता रस्ते में मिला या नहीं मिला ये बात की बात है, पर वो गया कुछ भी नहीं हुआ और वापस आया, और रास्ते में ही परमेश्वर के दास एलिशा से कहा कि लड़का तो नहीं जागा है और लड़का मरा हुआ है, और उसने आकर ये रिपोर्ट दी। ये रिपोर्ट सही नहीं थी, ये रिपोर्ट एक किस्म से उसके मुताबिक जो उसकी माँ थी लड़के की, उसके लिए उसका कोई भी खुशी का विषय नहीं था, और वो एलिया को एलिशा के साथ साथ आगे बढ़ती रही और उसको ये रिपोर्ट मिलने पर कोई खुशी नहीं थी। पर मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक सेवक को जरा परमेश्वर के साथ समय बिताएं ज्यादा से ज्यादा, कि परमेश्वर तेरी इच्छा है तो मेरी इज्जत को बढ़ा सकता है जिससे मेरा भी नाम हो, अगर तेरी इच्छा है तो तू ऐसा कर सकता है, अगर नहीं है
तब भी परमेश्वर मैं तेरे काम के लिए करने के लिए अपना समय तुझे दूंगा और अपना समय तेरे साथ बिताऊंगा। इसलिए अगर चमत्कार देखना है तो ज्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताना होगा। गहेजी का ज्यादा समय सेवक के साथ कम, दुनियादारी में ज्यादा था। वो उस कमरे से, प्रार्थना के कमरे से ज्यादा बाहर रहता था, इसलिए वो चमत्कार नहीं कर पाया। आप और हमारी जिंदगी में बहुत से चमत्कार नहीं हो पाते क्योंकि हम कमरे के अंदर नहीं, कमरे से बाहर ज्यादा रहते हैं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे, आप लोग प्रभु में बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को, जो हमारा PGI विनती भवन के नाम से चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें और लोगों के लिए भी आशीष का कारण बनाएं। प्रभु आप लोगों को आशीष दें।